नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 25 जुलाई 2021 रविवार के दिन एनजीओ कर्तव्य दादरा नगर हवेली की वाइल्ड लाइफ टीम तथा इको राइडर्स के साइकिलिस्ट ने मिलकर मधुबन डैम के आसपास सैलानियों द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे को साफ करने का जिम्मा उठाया। दादरा नगर हवेली में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत एनजीओ कर्तव्य के सदस्य 25 जुलाई की सुबह 6:30 बजे साइकिल द्वारा सिलवासा 4 रास्ता से मधुबन डैम की ओर रवाना हुए। बारिश के मौसम का लुफ्त उठाने हर रोज सैकड़ों सैलानी अपने परिवार और मित्रों के साथ मधुबन डैम आते हैं। प्रकृति का मनोरम दृश्य और सुंदरता देखने वहां आने वाले ज्यादातर सैलानी अपने नैतिक जिम्मेदारियों को भूलते हुए अपना सारा कूड़ा कचरा वहीं छोड़ जाते हैं, जिसके चलते प्रकृति के बीच गंदगी का साम्राज्य बन जाता है। 25 जुलाई को एनजीओ कर्तव्य के 20 लोगों की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद तकरीबन 150 किलो जितना कूड़ा इकट्ठा किया, जिसमें अधिकतम बियर के टिन एवं बोतलें, पानी की बोतलें, सिगरेट के बॉक्स, पॉलिथिन बैग तथा बिस्किट, वेफर और खाद्य सामग्री के पैकेट पाए गए। जब बारिश के चलते मधुबन डैम में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो यह सब कूड़ा कचरा पानी के साथ मिलकर दमनगंगा नदी से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीव जंतु, मछलियां, कछुए, कोरल रीफ को भारी नुकसान पहुंचता है और यह कूड़ा हजारों साल तक माइक्रोप्लास्टिक में तब्दील होकर पानी को दूषित करता है। इन सारी परेशानियों से प्रकृति को बचाने के लिए प्रकृति के योद्धाओं ने यह कदम उठाया। इतना ही नहीं, अब घटाने के लिए और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी टीम मेंबर्स ने सिलवासा से मधुबन डैम तक आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग किया। एनजीओ कर्तव्य दादरा नगर हवेली तथा इको राइडर्स की टीम लोगों से विनम्रता पूर्वक अपील करती है कि लोग अपने नैतिक जिम्मेदारी समझें और निभाएं, और वह जहां कहीं भी जाए स्वच्छता का पालन करें और अपना कूड़ा कचरा अपने साथ ले जाएं और कूड़ेदान में डालें। इस कार्यक्रम में कर्तव्य एनजीओ के सह संस्थापक तथा सिलवासा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के पार्षद श्री हितेश पटेल जी, सिलवासा स्मार्ट सिटी के साइकिलिंग मेयर श्रीमती स्वरूपा शाह जी तथा सिलवासा स्मार्ट सिटी के साइकिलिंग एम्बेसडर श्रीमान अब्दुल खान उपस्थित रहे एवं पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज एनजीओ कर्तव्य और इको राइडर्स टीम ने साथ मिलकर मधुबन डैम के आसपास के एरिया के अंदर सफाई अभियान चलाया है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो भी कचरा डाल के जाते हैं, पानी का स्तर बढ़ने की वजह से ये सारा कचरा दमनगंगा नदी में जाता है और वही सारा कचरा दमनगंगा नदी से होते हुए फिर समुन्द्र में जाता है। ये प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कछुए हैं, मछली है, दरिया के अंदर जो कोरल रीफ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारी टीम ने यहाँ पे एक सफाई अभियान चलाया है। हम लोग जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं उनको यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे नेचर का आनंद उठाने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पे आके इस जगह को स्वच्छ रखें, यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंके और अपने साथ जो भी कचरा लेके आए उसे लेके जाएं और ये पर्यावरण जो इतना स्वच्छ और सुंदर है उसे स्वच्छ और सुंदर रखने में मदद करें। दूसरा कि हमारी टीम जो इको राइडर्स की टीम है उसने ये प्रण लिया है कि हम लोग सफाई अभियान करने के टाइम पे एक कार्बन न्यूट्रल तरीके से इसको क्लीन करें ताकि जो कार्बन एमिशंस वगैरह है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। यहाँ पे हमारी साइकिलिस्ट की टीम आई थी जिन्होंने सिलवासा से मधुबन डैम तक हम लोग साइकिल करके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग एक फिटनेस का जो है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं सारी चीज़ को। अभी आप जैसे ही जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं टोक्यो के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को प्रमोट करते हुए ही हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो साथ ही मैं सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि नेचर के अंदर अगर आप जाएँ तो उसको क्लीन रखने में मदद करें।